90 वर्ष की आयु में भी चीन का नाम सुनते ही खून खौलने लगता है। पूर्व सैनिक सालिग्राम का 1962 की भारत चीन युद्ध में लड़े थे सालिग्राम। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे वीर योद्धा से जिसने 1962 में रिजंगला में हुए भारत और चीन युद्ध में अपनी वीरता के जौहर दिखाए थे। मैनपुरी के बदनपुर गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक सालिग्राम 13 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। जब सालिग्राम जी के गांव जाकर बात की तो उन्होंने हमसे अपनी फौज की नौकरी के समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने हमें बताया कि वो 18 नवंबर 1962 की सुबह थी जब हमारे फौज की 120 जवानों की टुकड़ी रिजंगला घाटी में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी वहां पहले से चीनी फौज हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। हमारी फौज की टुकड़ी के पहुंचने पर चीनी सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारी टुकड़ी ने चीनी सैनिकों को जमकर लोहा लिया। वहीं जब हमने उनसे गलवान में हुए हमले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चीन की फितरत ही ऐसी है, वो हमेशा से पीठ पर वार करता आया है। चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन सामने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है और पीछे से वार करता है। चीन के शासक भी दोगले हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नाम है दादा आपका? सालिग्राम। कहाँ के रहने वाले हैं? बदनपुर गाँव। अच्छा, सुना है कि आपने जो है कभी चीन के विरुद्ध आपने जो है युद्ध लड़ा था, किस रेजिमेंट में आप तैनात थे और कहाँ पर तैनात थे? कुमाऊं रेजिमेंट में हम तैनात थे। रजंगला पहाड़ी के ऊपर हमारा युद्ध हुआ था, चीन के साथ हुआ था 18 नवंबर 1962 को जी, जिसमें 114 आदमी हमारे मर गए थे, 500-700 आदमी उनके मर गए थे जी, और हम कछुए आदमी बचे थे जो अपने भाग्यवश कहीं से निकल आए, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई जी। परमात्मा ने हमारी मदद करी, हम जीवित हैं। अच्छा, जब आप सेना में हो, किस तरह से आपको भेजा गया था, क्या कह के भेजा था आपको? हमको सिर्फ बताया गया था कि रोकना है, चीनी लोग यहाँ से आ रहे हैं, उनको रोकना है, तो हमने रोका था। चीनी लोग आ रहे थे, हमने उनके साथ फाइटिंग करी जी। रोका, उनको नहीं आने दिया, अपने कर्तव्य हमने पूरा निभाया, हम खुद अपने बलिदान दे करके और चीन को बात। अच्छा, भारत और चीन के बीच जो विवाद होता था, किस बात को लेकर होता था, क्या करता था, कैसी वितरकात करता था? चीनी और हिंदुस्तानी वो तो बहुत ही मानता था हमसे, वो कहता था हिंदुस्तानी और चीनी भाई भाई हैं, चीनी और हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, और पीछे से तलवार घूस के हमारा घटाई करता था। अपने मोर्चा बना लिए, मोर्चा में सेना बैठा दी और कह दी हम तो भाई भाई हैं, हम आ गए तो लड़ाई कर बिगड़े तैयार। तो क्या ये चीन जो है ना हमारे देश की जो जमीन जो थी जगह उस पर कब्जा करता था क्या? हाँ, जमीन हमारे देश की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर रहा था, लेकिन उस दिन हमारी थी और आज भी हमारी है वो पहाड़ी, उस दिन हमारी थी और आज भी है, हमने बलिदान दे करके पहाड़ी को जीता है जी। हमारे बहुत से आदमी वहाँ शहीद हुए हैं। जैसा कि दादा आज जो चीन जो वितरघात कर रहा है, उस समय का काल क्या कैसा था और आज का काल कैसा है, क्या उसमें आपको जो आज हथियार है हमारे पास और उस समय कैसी लड़ाई लड़ते थे आप? उस समय जैसी आज हमारे पास स्थिति है, ऐसी स्थिति होती तो उस समय चीन को हम बांध के अपने घर ले आते जी। आज तो हमारे पास में न हथियार की कमी है, न जवान की कमी है, न भोजन की कमी है, न किसी जवान के हौसला की कमी है। उस दिन में 50वें देश हमारा आज़ाद हुआ था, हम बहुत गरीब थे, अनाज नहीं था खाने के लिए, हथियार नहीं थे, सेना के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, सब चीज़ से परेशानी थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है, आज तो चीन के खट्टे लाल कर देंगे, उनकी हम भीड़ की हड्डी तोड़ देंगे चीन वालों की। चीन वालों ने हमारे संग घटियाई करी है, घटियाई का मजा उनको चखा देंगे, और चखाई दिया है हमारे सैनिकों ने उनको, चखाई दिया है मजा और चखाएंगे। आज जो है अपने देश के बीच जवान उन्होंने कुछ दिन पहले जो है ना मौत की घाट उतार दिए, दिए तो उस घटना को किस नजरिया से देखते हैं? हम बहुत अच्छी नजरिया से देखते हैं, उन्होंने ठीक किया है, जो हमारे संग घटियाई करेगा उसको हम मारेंगे, और कोई उपाय नहीं है, मारो सालों को। आज जो हमारे भारत देश ने उनके चीनों को मारा है, अच्छा किया है, अच्छा किया है। अच्छा, जैसे कि घर घर में सामान घर घर में घुस चुका है चाइना, यानी सामान के तरीके से कहीं जो है ना हर चीज हर आइटम जो है ना चीन भारत में जो है ना आ चुका है चाइना के नाम से, तो क्या होना चाहिए, चाइना के साथ क्या व्यापार करना चाहिए? चाइना के साथ व्यापार हमारा कतई नहीं करना चाहिए, वो घटिया आदमी है, उसके साथ कीमत लगा करके उसका सामान ही अच्छा नहीं निकलता है, उसका सामान अच्छा नहीं निकलता है, खराब सामान होता है।
वो अपना सामान वो कर करके हमको भेज जाता है, अपने पर ले जाता है, कमा लेता है। चीन का सामान तो हमको कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चीन से बिल्कुल दोस्ती करना नहीं चाहिए हमको, चीन से कोई सामान नहीं लेना चाहिए हमको, नहीं चीन को कोई सामान अपना देना चाहिए, मतलब उससे किसी तरह की मतलब दोस्ती नहीं होना चाहिए, किसी तरह की संधि नहीं रखनी चाहिए, किसी तरह संधि नहीं होना चाहिए। की रक्षा की है और युद्ध भी किया है और आप रिटायरमेंट होकर घर पे भी आ गए, किस सन में आप रिटायर हुए? 66 में। अच्छा, सुना है कि आपका बच्चा भी जो ना एक आर्मी में था, क्या मतलब हादसा हुआ था उनके साथ? अरे साहब, हमारा लड़का 11 साल की नौकरी हो गई थी जी, शांति सेना में लंका गया था, जो भारत से शांति सेना गई थी लंका में, उसमें एक्सपर्ट हो गया, हमको मट्टी भी देखने के लिए मिली। हमारे पास जॉब सर आए यहाँ, उन्हें हमसे कही तुम्हारी रास्ता बनेगी, स्कूल बनेगा, सड़क बनेगा, लेकिन सरकार आज दिन तक हुआ कुछ नहीं जी। मैं निवेदन करता हूँ उन अफसरों से, जो अफसर हमारे यहाँ आए वो पूरे फिल्म से कहे भाई के रास्ता के लिए बनाओ। तो आपके गांव के लिए आने जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं? कोई आम रास्ता नहीं। क्या घर तक कोई खड़ंजा वगैरह? कोई खड़ंजा नहीं है। क्यों नहीं हो पाया ये? अब साहब जी, अफसरों की ये तो यहाँ का ग्राम पंचायत जो अधिकारी और प्रधान होता है, क्या उनसे आपने मांग नहीं की थी? मांग की है साहब, मांग हमारे पक्ष में नहीं है, प्रधान दूसरे के पक्ष में है, जिसको प्रधान वोट दे देता है उसका काम करवा देता है, जिसको वोट नहीं देते। अच्छा, कौन है मतलब प्रधान आपके गांव का? हमारे गांव के प्रधान है, नाम तो नहीं जानते, नेत्रपाल सिंह जी है। अच्छा, तो एक देश की रक्षा करने वाले सैनिक की घर तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, और क्या कहना चाहेंगे? और रास्ता हमारी बनना चाहिए, पक्की रास्ता बनना चाहिए, जबकि कच्ची बना देंगे धो जाएगी सब, पक्की रास्ता बनाना चाहिए हमारे लिए।